बिहार की जो हाल है बहुत काफी सुधार है। कब से पानी आती है? ये जब भी बारिश होती है हमेशा ऐसा ही पानी लग जाता है, हर साल हमेशा। और देखिए अभी दो आदमी गिरा है अभी उसके अंदर, बेचारा चक्कर खा गया कि ऐसा लगा कि कहां हम गिरे। यहाँ के विधायक हैं वो नहीं देखते, गवर्नमेंट का तो नज़र होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन उस हिसाब से नहीं लग रहा है। एम्स पटना के हिसाब से ये रोड पूरा क्लियर होना चाहिए यहाँ से लेके कम से कम अनिसाबाद तक, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। एम्स पटना जैसे खुला था इस हिसाब से यहाँ से लेकर आपको अनिसाबाद तक पूरा ट्रैफिक क्लियर होना चाहिए। और ये देखिए पेशेंट को भी आने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, जब भी बारिश होता है तो ऐसे ही पानी रहता है, पानी निकासी सही ढंग से नहीं हो पा रहा। यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी समस्या बता रहे हैं, लेकिन एक तो बिहार की डिप्टी सीएम का बयान आता है कि बिहार में जो बाढ़ आती है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़, मैं हूँ निखिल। बिहार में अस्पतालों की जो हालात है वो तो ख़राब है ही, निखिल बिहार के जो सबसे नामी गिरामी अस्पताल एम्स की बात कर रहे हैं, पटना एम्स के पास खड़े हैं, और अगर कोई मरीज सीरियस हो या बीमार हो, गंभीर अवस्था में हो, तो वो एम्स इसी रास्ते से आता है। और इस रास्ते का हाल जो आप देख रहे हैं वो कितना बुरा है वो आप देख सकते हैं। इतनी दूरी में, पूरी दूरी आपको रास्ते के दोनों का तरफ का हाल हम दिखाएंगे। रास्ते का दोनों तरफ का हाल जो देख रहे हैं किस तरीके से पूरा हालात एकदम ख़राब है। लेकिन सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने कल एलिवेटेड डबल डेकर रोड का उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो उन्होंने शिलान्यास किया था, और उसने उनमें कहा था कि बिहार की तमाम सड़कें जो हैं काफ़ी बने हुए हैं और काफ़ी पक्के हैं। लेकिन आप पटना एम्स की जो तस्वीर देख रहे हैं वो चौंका देगी, क्योंकि यहाँ पर जो हाल है वो पानी से लबालब है। और ये पटना एम्स के ठीक सामने का नज़ारा है, कैसे लोग आते हैं जाते हैं। निखिल, इस पर मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार की जो हाल है बहुत काफ़ी सुधार है। कब से पानी आती है? ये जब भी बारिश होती है हमेशा ऐसा ही पानी लग जाता है, हर साल हमेशा। और देखिए अभी दो आदमी गिरा है अभी उसके अंदर, और बेचारा चक्कर खा गया कि ऐसा लगा कि कहाँ हम गिरे। यहाँ के विधायक हैं वो नहीं देखते, गवर्नमेंट का तो नज़र होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन उस हिसाब से नहीं लग रहा है। एम्स पटना के हिसाब से ये रोड पूरा क्लियर होना चाहिए यहाँ से लेके कम से कम अनिसाबाद तक, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। एम्स पटना जैसे खुला था इस हिसाब से यहाँ से लेकर आपको अनिसाबाद तक पूरा ट्रैफिक क्लियर होना चाहिए। और ये देखिए पेशेंट को भी आने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, जब भी बारिश होता है तो ऐसे ही पानी रहता है, पानी निकासी सही ढंग से नहीं हो पा रहा। यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी समस्या बता रहे हैं। लेकिन एक तो बिहार की डिप्टी सीएम का बयान आता है कि बिहार में जो बाढ़ आती है वो आर्टिफिशियल है, और दूसरे ओर मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार की जो सड़कें हैं काफ़ी सुदृढ़ हैं। आप सीधी तस्वीर एम्स के सामने से देख रहे हैं, बिहार के मुखिया की पोल खोल रही है ये तस्वीर, सड़कों की क्या हाल है। और वो यही नहीं, बात करेंगे पटना एम्स की, जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, और यहाँ पर लोग तमाम ज़िलों से आते हैं, तमाम देशों से भी आने लगे हैं। लेकिन जब एम्स का हाल यार ये रहेगा, इसकी गेट तक पहुँचने में मरीज कहीं ना कहीं इस हालात में दम तोड़ देता है। अब सवालिया निशान खड़े होते हैं पथ निर्माण विभाग के मंत्री पर, यहाँ के स्थानीय विधायक पर, और एम्स प्रबंधक पर, कि बिहार के सबसे नामी अस्पताल की जो सड़कें हैं उसका हाल ये है, तो बिहार के आम सड़कों का क्या हाल होगा। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।